दोस्तों, टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव चोटिल हो गए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में फील्डिंग के दौरान वह चोटिल हो गए थे। इस मैच के बाद उनके टखने में चोट लग गई। इस चोट के बाद फरवरी तक उनकी वापसी की उम्मीद नहीं है। चोट के कारण सूर्य कुमार अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज से चूक जाएंगे। अगर उनकी चोट और गंभीर हो तो वह इससे भी ज्यादा दिनों तक मैदान से दूर रह सकते हैं। अगर टी20 वर्ल्ड कप 2024 तक उनकी चोट ठीक नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सूर्या की जगह कौन सा खिलाड़ी ले सकता है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 जून जुलाई में वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट के टूर्नामेंट से पहले सूर्य कुमार यादव चोटिल हो गए। उनके घुटने में चोट है जो काफी गंभीर है। स्कैन में ग्रेड 2 लेवल का टियर क्रैक पाया गया। चोट की गंभीरता को देखते हुए अब वह जनवरी में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज से बाहर रहेंगे। लेकिन अगर सूर्या टी20 वर्ल्ड कप 2024 तक भी ठीक नहीं हुए तो ऐसी स्थिति भारतीय चयन समिति के लिए बड़ी समस्या बन जाएगी। हालांकि टीम मैनेजमेंट के पास सूर्य कुमार यादव के विकल्प के तौर पर संजू सैमसन होंगे। आपको बता दें कि संजू इस वक्त शानदार फॉर्म में है। उन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक लगाया था। यह उनके करियर का पहला शतक था। इस पारी में उन्होंने 115 गेंदों में 99 की स्ट्राइक रेट से 108 रन बनाए।